राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले कई दिनों से पुलिस के लिए केस अनसुलझा सा लग रहा है। वहीं मामले की जांच के लिए एसआईटी की एक टीम भी गठित कर दी गई है। इस एसआईटी में एक एडिशनल डीसीपी, 3 एसीपी, 7 पुलिस इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 4 पुलिस कांस्टेबल को शामिल किया गया है। उस केस को सुलझाने में परिजन, शायद सरकार के दबाव के चलते पुलिस और यहां तक कि मीडिया भी लगी हुई है। सभी के मन में प्रश्न गहराता जा रहा है कि आखिर नारगढ़ के जंगल में गए शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पर्वतीय कॉलोनी के दोनों सगे भाइयों का हुआ क्या। नारगढ़ स्थित चरण मंदिर के लिए निकले राहुल और आशीष में से छोटे भाई यानी आशीष का शव गत सोमवार सुबह पहाड़ियों में मिला, जबकि दूसरा भाई अभी भी लापता है। शव मिलने के बाद कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। दूसरे भाई को क्यों नहीं तलाशा जा सका है, यह भी सवाल बना हुआ है। आशीष की मौत कैसे हुई, यह हत्या है या हादसा, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली कारण है वो निकल कर सामने आएंगे। दूसरी ओर पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लापता बड़े भाई राहुल को तलाश रही है। जंगल में चप्पा चप्पा छान मारा गया लेकिन सफलता नहीं मिली। उधर परिजनों के अनुसार दोपहर 1 बजे आशीष ने घर पर फोन कर बताया कि राहुल से साथ है वो छूट गया। चचेरा भाई रवि तलाश में मंदिर पहुंचा लेकिन दोनों नहीं मिले। परिजनों ने पुलिस को बच्चों के रास्ता भटकने की सूचना रविवार दोपहर करीब 2 बजे दे दी थी, लेकिन पुलिस 5 घंटे तक उन्हें टालती रही। सर्च की बजाय शास्त्री नगर और ब्रह्मपुरी थाना पुलिस सीमा विवाद में उलझती नजर आई। इस घटना को लेकर जहां लोगों में आक्रोश है, वहीं पुलिस की सुस्ती भी सवालों के घेरे में है। इतने घंटों के बाद भी दूसरे भाई को क्यों नहीं तलाशा जा सका है, यह भी सवाल बना हुआ है। हम 7-8 जने आए थे, हमारे को पता लगा कि हमारा बच्चा गुम हो गया है, तो हमारे आसपास के लोगों को पता लग गया था कि अपना बच्चा गुम हो गया है। तो हमने एक टीम बनाई कि चलो अपन बच्चे हैं, बड़े तो बड़े बड़े हैं, बच्चे तो है नहीं जो को खो जाएंगे। उस अकॉर्डिंग हम यहाँ ऊपर आए। ऊपर आके हमने मतलब इधर इस तरफ का एरिया बताया था, उस तरफ का एरिया था जो सी टाइप की लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारे को 4 बजे लोकेशन दी गई थी। तो हम ऊपर डूंगर पे मौजूद थे, तो हमारे को लोकेशन मिली जिस तरफ की, तो हम भट्टा बस्ती की तरफ के चले गए थे। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी जानवर किसी बच्चे को या बड़े पे किसी पे हमला करा है। ऐसा तो क्या है सर, जिस अकॉर्डिंग बॉडी मिली है ना, उस अकॉर्डिंग लगता नहीं है कि कोई जानबूझ के पेड़ के अंदर जिस प्रकार अगर वो सो रहा है तो वो सोते हुए पहले अपना पाँव नहीं डालेगा। पहले अपना आदमी अगर झाड़ी में घुसेगा तो पहले सर घुसेगा फिर उसके पाँव जाएंगे, लेकिन उसका पहला क्या था, सर लगा हुआ था बाहर और पाँव सीधे अंदर। उस अकॉर्डिंग ऐसा हुआ था सर, जहाँ तक हमें अंदाज है। बच्चे इतने सिंसियर थे कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति उसको अगर कोई हल्का सा भी डांट देता था ना, तो वो बच्चे दोबारा सड़क पे भी नहीं दिखते थे, ऐसे बच्चे थे सर वो। उधर दूसरी तरफ पुलिस की टीम ने दूसरे एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अलग अलग सदस्यों से बात करने के पर पुलिस को कुछ विरोधाभासी जानकारी मिली है। ऐसा संदेह हो रहा है कि परिजन कुछ जानकारी छिपा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई एक ही फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। परिवार वालों से पूछताछ करने के साथ ही पुलिस अब फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। राहुल और आशीष के मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकाली गई है। पुलिस को ऐसा संदेह है कि इस मामले में कुछ लव एंगल भी हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच लव ट्रायंगल को लेकर भी विवाद हो सकता है, लिहाजा पुलिस हर एंगल से अलग अलग जांच कर रही है। नाहरगढ़ के उस स्थान पे हम खड़े हैं जहां से आज करीब 4-5 दिन पहले आशीष और राहुल दो भाई घूमने आए थे, और उसके बाद आशीष की डेड बॉडी इस पहाड़ी के अंदर जो जंगल है, जो बहुत ही हम कह सकते हैं बड़ा जंगल है, वहां पर पाई गई। हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय निवासी श्रवण कुमार जी भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पॉइंट। ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ पे वो पत्थर था जिस पत्थर के ऊपर आशीष का सर टिका था, और इस झाड़ी के अंदर उसके पैर थे, इधर वो सर था। और ये पत्थर आप देख सकते हैं यहाँ से निकाला गया है, क्योंकि वो सबूत के तौर पे उस पत्थर को इस्तेमाल किया जाएगा। श्रवण कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। श्रवण कुमार जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, अक्सर आपकी गाय भैंस यहाँ पर आ जाती है, फिर आप उसे यहाँ पर छुड़ाने आते हैं,
इतना भीषण ये जंगल है, क्या लगता है आपको पूरे मामले का? आपको भी पता है तो आपके अंदाजे से क्या हुआ होगा, और जो भी स्थानीय लोगों के द्वारा और इतने दिनों से, लगभग 4-5 दिन से SDRF की टीम यहाँ पर घूम रही है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो भाई लापता है राहुल उसे ढूंढ रही है, तो उनसे भी आपको कई बातें पता पड़ी होंगी, क्या कुछ वो बातें हैं एक बार बताइए। ये दो भाई शास्त्री नगर से चढ़ते हैं नारगढ़, नारगढ़ आते हैं, ये नारगढ़ महल देखते हैं, महल देखने के बाद ये नारगढ़ से बाहर निकल के चरण मंदिर जाते हैं, चरण मंदिर से बाद में नीचे आथुनी कुंड पहुँचते हैं, जहाँ ये एक होमगार्ड था इनका पड़ोसी नारगढ़, उसको फ़ोन करते हैं, भैया हम रास्ता भटक गए, तो वो बोलते हैं उनको कि भैया आप वहीं रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, आप कौन सी जगह हो? तो इन्होंने वो जो समाधि बनी हुई थी आथुनी कुंड के ऊपर वो पॉइंट का निशान उनको बचाया, फिर वो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं भैया रास्ता मिल गया, आप आओ मत हमारे। उसके बाद आगे आके बच्चे रास्ता भटकते हैं दोनों, ये सीधा आथुनी कुंड से करीब 3 किलोमीटर अंदर जंगल में आ गए, और ये आने के बाद वहाँ सेम रास्ते हैं दो, एक शास्त्री नगर की तरफ उतरता है, दूसरा इधर भट्टा बस्ती की तरफ आता है ऊपर जंगल में, तो ये उसी रास्ते से बच्चे भटक के यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ जंगल इतना ख़तरनाक है कि बच्चे यहाँ आके घबरा सकते हैं। अब उनमें से जब वो 1-1.5 बजे बात हुई थी उनकी, तो वो बोल रहे थे हम रास्ता मिल गया, उनकी मौसी से बात हुई थी कि हम 1-1.5 बजे दोपहर में या रात में? दोपहर में 1-1.5 बजे बोलते हैं। इन्होंने कॉल करके पापा को भी बताया था कि हम रास्ता भटक गए और भैया भी अलग हो गए, पर बाद में थोड़ी देर बाद में मौसी से बात होती है कि भैया भी मिल गए, हम दोनों रास्ता मिल गया आ रहे। उसके बाद जब इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो घर वालों को चिंता होने लगी, बाद में इन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन कराई कि बच्चे रास्ता भटक गए हमारे, पुलिस प्रशासन भी उसी टाइम से लग रहा है ढूंढने में, पूरी रात रेस्क्यू टीम चल रही थी, फिर सुबह जाके डेड बॉडी, भाई शाम को पुलिस प्रशासन आ गया था, भाई भटक गए तो दोनों भाई बोलेंगे, आवाज़ें लगाई कुछ नहीं मिलने के बाद जब सुबह राहुल की डेड बॉडी यहाँ मिली, राहुल की या आशीष की, बड़ा वाला अब वो एक था, कौन सा था, राहुल था आशीष, उसकी डेड बॉडी यहाँ मिलती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन काफ़ी 4 दिन से पूरे जंगल को छान लिया, इसको 2-2, 4-4 बार फिर गए, फॉरेस्ट टीम आ गई, सभी डिपार्टमेंट आ गए, 4-4 थानों की पुलिस आ गई, उसके बाद में भी मतलब कुछ हासिल नहीं हो रहा। अभी श्रवण जी एक बात आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप हमें यहाँ पर लेकर आए हैं और रास्ते में कई जगह आपने पैंथर के पैरों के निशान भी दिखाए हैं, और जो आपने डायरेक्शन बताया कि पैर उस तरफ थे, सर इस तरफ था, तो ये घनी झाड़ी है, क्या ऐसी कोई संभावना है कि किसी जंगली जानवर द्वारा जिस भाई की दुखद मृत्यु हुई है उसे झाड़ी के अंदर खींचने की कोशिश की गई? सर हो सकता है, क्योंकि पूरा इलाका है उनके आमना सामना हो गया, और पैंथर से तो डर के भगे हैं छिपने के लिए, तो वो यहाँ आके आशीष घबरा के, मतलब कैसे उसकी वो ये वो, तो वही जाने, या फिर वो दूसरा भाई बताए, वो दूसरा मिल रहा नहीं है, 5 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन पूरे ताकत के साथ चल, आज सुबह कल मेरे को बोल दिया था भाई नीचे का रेस्क्यू करना है, इस साइड का नीचे जो पॉइंट पड़ता है उसका, मैं सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच गया था भट्टा बस्ती, वहाँ से पूरा रेस्क्यू कर लिया, 5 दिन में तो स्माइल आने लग जाती है डेड बॉडी में, वो कुछ नहीं आई, 1 घंटे तक हेलीकॉप्टर सर्च हुआ यहाँ पे, हमने आग जलाई थी यहाँ पे, धुआं करी थी, नीचे से भी काफ़ी पुलिस वाले हैं, कुछ प्रशासन के अधिकारी। क्या लग रहा है आपको, कोई ऐसी कोई बात जो, जैसे मान लो यहाँ पे जानवर भी है और जानवर जैसे बॉडी को कई दूर तक घसीट के लेके जा सकता है, क्या ऐसी कोई संभावना? ऐसी कोई संभावना नहीं सर, घसीटते तो उसका कुछ तो हिस्सा, मतलब कपड़े वपड़े जूते चप्पल कुछ तो मिलते हैं, उनमें से कोई नहीं मिल रहा उसका, तो जानवर तो आज तक कभी इंसानों पे अटैक किए ही नहीं यहाँ पे। ये थे श्रवण कुमार जी, और जिस हिसाब से इनसे बात हुई है, इनका जो कहना है कि पहले वो नाहरगढ़ किला घूमने गए, फिर उसके बाद में हथिनी कुंड गए, हथिनी कुंड पे जाकर उन्हें शायद ऐसा लगा कि वो रास्ता भटक गए हैं, तो श्रवण कुमार जी के हिसाब से उनमें से एक भाई ने अपने घर पे फ़ोन किया या अपने किसी निकट परिचित को फ़ोन किया, उसको बताया कि भाई हम रास्ता भटक गए, हथिनी कुंड की वो जगह उसे बताई जहाँ पर वो खड़े थे, उस परिचित ने उनको बोला कि ठीक है आप लोग वहीं पे खड़े रहिए, हम आपको रेस्क्यू करने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में थोड़ी देर बाद में फिर उनमें से किसी एक भाई का फ़ोन जाता है अपने रिश्तेदार को कि हम दोनों भाई मिल गए हैं और अब हम साथ में ही हम वापस घर पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, रात तक जब वो अपने घर नहीं पहुंचते तो जाहिर सी बात है घर वालों का चिंता में आना लाजमी है, और उसके बाद में घर वालों ने जब पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट की, पुलिस ने रात भर उनकी तलाश करी, लेकिन जब रात को कुछ नहीं मिला उसके बाद अगले दिन फिर सुबह आकर पुलिस ने तलाश करी, और ये फिर से एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो स्पॉट है जहाँ पर एक भाई की डेड बॉडी यहाँ पर मिली, श्रवण जी के हिसाब से पैर उसके झाड़ी की तरफ थे, ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं यहाँ पे पत्थर था, उस पत्थर पे उस भाई का
सिर टिका हुआ था, यहाँ से उसको उसकी बॉडी को रेस्क्यू किया गया है। हालांकि अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि पोस्टमार्टम हो गया है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। अब उसके बाद में दूसरा जो भाई है वो अभी तक नहीं मिला है। 4-5 दिन तक जिस हिसाब से स्थानीय निवासी श्रवण कुमार जी ने बताया कि पूरे जंगल को छान लिया है, एक एक पॉइंट छान लिया है, लेकिन उसके बाद भी दूसरे भाई का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। श्रवण जी क्योंकि स्थानीय है, अक्सर यहाँ आते रहते हैं, उनके जानवर यहाँ पर आते रहते हैं। उसके बाद जब हमने श्रवण जी से पूछा कि क्या ऐसी कोई संभावना है कि कोई जंगली जानवर दूसरे भाई को खींच के ले गया हो, काफ़ी दूर तक ले गया हो, तो श्रवण कुमार जी का कहना है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर जंगली जानवर खींच के भी ले जाता तो उसके कपड़े या उसका कोई बॉडी पार्ट ज़रूर कहीं ना कहीं मिलता, लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की कोई संभावना अभी तक दिखी नहीं है। और जैसा कि आपको, आप भी लगातार खबरों में देख रहे हैं कि 4-5 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, दूसरा भाई अभी तक नहीं मिला है। पुलिस के कुछ सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पे बताया है कि दोनों भाई फाइनेंस का काम करते थे और थोड़े दिन पहले इनमें कुछ कहा सुनी भी हुई थी। हालांकि ये सिर्फ एक अंदाज़ा है कि शायद हो सकता है कोई आपसी झगड़ा हो, लेकिन ये सिर्फ कयास हैं, इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। जब तक जांच चल रही है, जब तक किसी भी नतीजे पे पहुंचना इस समय हम कह सकते हैं कि काफ़ी कठिन है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4-5 दिन से लगातार रेस्क्यू चल रहा है, दूसरे भाई की तलाश अभी तक जारी है। जाहिर सी बात है, घर वाले बहुत चिंतित हैं, दूसरा भाई कहाँ पर है, किस हालत में है, जिंदा है या अब इस दुनिया में नहीं है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब लगातार 5 दिन से ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये सवाल अनसुलझा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब और किस हालत में वो दूसरा भाई मिलता है, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा ये कहानी ऐसे ही अनसुलझी रहेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार। आपको बता दें कि जयपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पर्वतीय कॉलोनी में रहने वाले सुरेश चंद्र शर्मा फलों का ठेला लगाते हैं। उनका बड़ा बेटा राहुल और छोटा बेटा आशीष एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करते थे। रविवार को छुट्टी के दिन दोनों भाई सुबह 6 बजे घर से करीब 10 किलोमीटर दूर नारगढ़ की पहाड़ियों में स्थित चरण मंदिर दर्शन के लिए पैदल निकले थे। तब से ही ये घटना एक कहानी सी बनी हुई है।